क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। नमस्कार, मैं सुधा चंद्रन क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। सुषमा, चाय बनी कि चाय के बागान से पत्ती लेके आ रही हो? आ रही हूँ। चाय बनाना कोई खाने का काम है? पहले पानी उबालो, फिर उसमें दूध डाल के दूध को पकाओ, चाय पत्ती चीनी डालो, फिर अदरक कूटो, वो डालो, तब जाके बनती है चाय। तुम एक काम किया करो, अदरक कूटते वक्त मुझे याद किया करो, कूटने में बड़ी आसानी होगी। आप ना बस हमारी बातों को इसी तरह से मजाक में उड़ाते रहिए। इसे आपकी राजकुमारी उठी है, अभी भी घोड़े बेच के सो रही है। देखो, मैं यहाँ हिसाब देख रहा हूँ, अब कौन सो रहा है कौन जाग रहा है इसका हिसाब मैं नहीं देखता हूँ। शर्म है बच्ची है, वो भी बेच दी। क्या? जब तेरे को नहला कर उठा देती हो ताकि तेरे सारे पाप धुल जाए। ऐसा होती तो अपनी माँ को खा गई, पता नहीं किस किस को खाएगी। हर बार ये कहना जरूरी है? तुम छाया को तो नहीं उठाती हो, वो तुम्हारी सगी है इसलिए। ज्यादा जुबान मत चला, छाया अभी बच्ची है और वैसे भी वो स्कूल जाके मन लगा के पढ़ाई करती है। तेरी तरह दसवीं फेल होके घर पे नहीं बैठी है? आ तो हम भी घर पे बैठे नहीं रहते, पापा के हिसाब किताब में उनकी मदद भी करते हैं। सुषमा, क्यों दिन रात इसके ऊपर ताने मारती रहती है? आपका हिसाब किताब हो गया हो तो जाके सब्जी ले आइए, इसकी तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। चल बेटा छाया, स्कूल के लिए देर हो रही है। कोई बात नहीं बेटा, ये सब होते रहते हैं। तीन दिन में सिर्फ 25 लाइक, ऐसे भी इस कपड़े में और कितने ही लाइक्स आएंगे। दीदी, आप हमारे कपड़े पहन के वीडियो बना लिया करो, उसमें क्या है? वो पिद्दी, हमें किसी के उत्तरण पहनने का शौक नहीं है, और वैसे भी हमारी अगर इतनी चिंता है तो जाके यार अपनी माँ से क्यों नहीं कह देती? रोज रोज तेरे लिए नए कपड़े ले आती है और हमें दिवाली तक का इंतजार करना पड़ता है। हम सुबह से यहाँ भूखे बैठे हैं, यहाँ ये बिस्किट खा रही है। ये लो, अब भी खा लो। तू ना बिल्कुल नारद है, अगर हम ये बिस्किट खा लिए तुम जाकर अपनी कैके जैसी माँ से नहीं कह दोगी? दीदी, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं नहीं कहूंगी, और वैसे भी क्रीम बिस्किट है आपकी फेवरेट, लो खा लो। लो, तुम आप कहती हो तो हम खा लेते हैं। छाया, ये ले बेटा तेरे टिफिन। मम्मी, तेरा पेट नहीं भरता है ना? आखिरी बिस्कुट का पैकेट था वो भी तू खा गई, अब ये क्या खाएगी? नहीं मम्मी, आप उन्हें मत मारी, दीदी को मैंने ही कहा था खाने के लिए। तू तो बच्ची है, समझती नहीं है, किसे तो समझना चाहिए ना। अरे तेरा बिस्कुट ये खा जाएगी तो तू क्या खाएगी? मैं तेरे लिए गरम गरम पराठे बना के लाती हूँ। आम की ना काच की, दुश्मन अनाज की। दीदी जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। कहते हैं हर इंसान की कुछ हसरतें होती है, कुछ ख्वाहिशें होती है जिसे पूरा करने के लिए वो इंसान जी तोड़ मेहनत करता है, लेकिन कुछ लोग इसके बिल्कुल विपरीत होते हैं। ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए वो अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। बचपन से ही नंदिनी की बहुत सारी ख्वाहिशें थी जिसे उसकी सौतेली माँ सुषमा ने हर बार नजरअंदाज किया, तो फिर नंदिनी की ख्वाहिशें पूरी कैसे होगी? क्या वो मेहनत के रास्ते पर चलेगी या फिर अपनी ख्वाहिशों के चाह में आकर वो किसी गलत रास्ते पर चली जाएगी? आइए देखते हैं।
65। काशी भाई नहीं, अरे विदेशी है गोपी बाबू, ये अमीरों के शौक हम नहीं रखते। 32। गोपी बाबू ये कैश का लेन देन थोड़ा कम कर लीजिए, क्योंकि इसे एक नंबर बनाने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। अरे चाचा हम बैंक में कैशियर नहीं है, PWD का ठेका लेते हैं। अब कमीशन चेक में थोड़ी ना लेंगे, कैश लेना पड़ता है। ये देखिए फोन वगैरह ऐसे गिफ्ट लेने देने पड़ते हैं, इसलिए सारा काम रोकड़े में करना पड़ता है। ठीक है गोपी बाबू, आगे से ध्यान रखिएगा। अच्छा आज का काम हो गया, हम चलते हैं, वो प्रधान जी भी याद कर रहे होंगे। अच्छा नमस्ते, चलो बेटा। छाया पिछली बार मैथ्स में तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं थे, इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। जीजा जी। अरे सारे साहब आओ, कैसे आना हुआ? आओ खुश रहो खुश रहो। नमस्ते बाबा जी। नमस्ते नमस्ते, कैसी हो? बहुत बढ़िया। बैठो बैठो। अरे सुषमा देखो कौन आया है। क्यों चिल्ला रहे हैं, ऐसा कौन? अरे मानो दीदी खुश रहो। अरे साले साहब ये तो बताओ बिन मौसम बरसात की तरह कैसे आना हुआ? क्यों हमारे भाई का नाम आपको अच्छा नहीं लगता? अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं। क्या करें जीजा जी, आप लोगों की यादें हमें खींच लाती हैं। वैसे दीदी बहुत सारे गिफ्ट लाया हूं मैं। अच्छा हाँ। छाया सबसे पहले तुम्हारे लिए मोबाइल। मोबाइल वाओ। क्यों बिगाड़ रहे हो बच्ची को, इसमें तो वीडियोस भी बनते हैं ना? वीडियो ही बनेगा और गेम भी चलेगा। थैंक यू सो मच मामा जी। और दीदी हाँ? आपके लिए साड़ी। कितनी सुंदर साड़ी है, अच्छी है ना? देखिए इसका रंग कितना अच्छा है ना? जीजा जी आपके लिए भी कुछ लाया हूँ। अरे वाह क्या बात है, पहली बार। अच्छा वो नंदिनी नहीं दिख रही है? वो दीदी कमरे में, उसके लिए कपड़े लाया हूँ। दीदी आप भी ना, मैं मिल के आता हूँ ना। हाँ ठीक है जीजा जी। हाँ ओके, एक मिनट में आया मैं। है ना अच्छी? बहुत अच्छी है। साला किसका है? अरे मामा जी। कितनी बार बोला मुझे मामा मत बोला करो, मन्नू बोला करो। ठीक है बैठो 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 बैठो। देखो तुम्हारे लिए क्या लाया, बैठो। ये देखो तुम्हारे लिए कपड़े लाया, जो पसंद आए रख लो। हम रोज एक नई ड्रेस पहनकर वीडियो बनवाएंगे। नंदिनी तुमको सिर्फ एक ड्रेस लेना है। पर मामा जी हमें तो चारों के चारों ड्रेस बहुत पसंद आए, आप हमें चारों दे दीजिए, आप इसके बदले जो कहेंगे हम वो करेंगे। मैं जो बोलूंगा वो करोगे? हाँ आप कहकर तो देखिए। नंदिनी हाँ? मुझे एक किस दोगी? क्या आप कैसी बेशर्मी वाली बात कर रहे हैं, आप कुछ और मांगिए। तो फिर ठीक है मैं ये कपड़े छाया को दे देता हूं मैं। मामा जी हेलो। थैंक यू मामा जी। मामा जी आप बाहर जाइए, हम ट्राई करते हैं। ठीक है। ये किसके बदले चार ड्रेस, वाह हमारे घर वालों ने तो आज तक हमें कुछ भी नहीं दिया। इस तरीके से तो हम अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। हाँ
नंदिनी, ये हमें इस फोन में कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। अब ये हमारा नया फोन है, हमको कुछ सूझता नहीं समझता नहीं, तुम करके दोगी? लाइए हम कर देते हैं। ये लीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड हो गया। पापा पापा हमको भी ऐसा एक फोन दिला दीजिए ना। तू अपना दिमाग मत चलाया कर, कागज पे उंगलियां चलाया कर, मुझे फोन की क्या जरूरत है? एक मिनट। हाँ श्याम बाबू, अरे उस टाइम नहीं आ पाए, कुछ जरूरी काम से आना पड़ा। हाँ मैं आ रहा हूँ, हाँ हाँ मैं निकल रहा हूँ, ठीक है, हाँ ठीक है। अरे गोपी बाबू, मुझे निकलना पड़ेगा, वो श्याम बाबू के यहाँ कुछ जरूरी काम है, मैं चलता हूँ। ठीक है कोई बात नहीं, बाकी का हिसाब ये नंदिनी कर देगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, क्यों नंदिनी करोगी ना? हाँ पापा, हम ये काम खत्म करके घर चले जाएंगे। ठीक है नमस्ते। मैं छोड़ता हूँ। दरवाजा कहाँ है बंद किए? नंदिनी घबराओ मत। अच्छा ये बताओ, ये फोन पसंद है तुम्हें? पसंद तो है, पर इतना महंगा फोन हमारी किस्मत में कहाँ। वो हम सोच रहे थे कि ये फोन तुम्हें तोहफे में दे दे। सच में? हाँ। पर फोन के बदले तुम हमें क्या दोगी? नंदिनी, इतने में तो सिर्फ फोन का चार्जर मिलेगा, पूरा फोन चाहिए तो कीमत देनी होगी। मतलब? मैं क्या सोच रही हूँ नंदिनी, फोन चाहिए कि नहीं? गोपी की इस नाजायज मांग ने नंदिनी को यह एहसास दिला दिया कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। पहले भी उसका मामा मन्नू जब उसे कपड़े देता था तो बदले में वो नंदिनी से किस मांगता था, और जब नंदिनी उसे किस करती थी तो वो उसे और चार कपड़े देता था, और इसी तरह गोपी की मांग को वो पूरी करती रही और बदले में उसे फोन मिल गया। अब जिस रास्ते पर नंदिनी चल पड़ी वो उसे किस मोड़ तक ले जाएगा, आइए देखते हैं। यही चार कपड़े पहनकर वीडियोस बनाएंगे तो लाइक्स कैसे आएंगे? जब तक मेकअप पहने और नए कपड़े नहीं खरीद लेते तब तक ना हमारा कुछ हो नहीं सकता। इसके लिए तो पैसे चाहिए, पैसे कहाँ से आएंगे? प्रधान जी भी याद कर रहे हो? प्रधान जी, देखो तुम ना बात समझने की कोशिश करो, हमें पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो तुम हमें थोड़े से पैसे दे दो, हम ना तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। हाँ हाँ तुम जो कहोगी हम वो करने के लिए तैयार है। हाँ हाँ रखते हैं। तुम अकेले आई हो? पापा कहाँ हैं? पापा किसी काम से बाहर गए। अच्छा ये ले पैसे, इनका हिसाब में लिख दे। जी प्रधान जी। तुम्हें पैसों की जरूरत है? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अरे हमने सब सुन लिया है। आपको तो पता ही है प्रधान जी कि हम वीडियो बनाकर डालते हैं, और उसके लायक हमारे पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं है, और हमारे फोन में तो रिचार्ज भी खत्म हो चुका है, ऐसे कैसे हमारे सपने पूरे होंगे? अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात? अरे हम हैं ना, हम कोई गैर थोड़ी है,
हम करेंगे तुम्हारा सपना पूरा। आप हमारा सपना पूरा करेंगे? हाँ, ये ले। और चाहिए तो मांग लेना। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। इसमें धन्यवाद की क्या बात है, हम कोई गैर थोड़ी है। और चाहिए तो और मांग लेना। हम आपको ये पैसे जल्दी लौटा देंगे। अरे लौटाने की कोई जरूरत नहीं, हमें तो बस प्यास से मतलब है। नंदिनी, हमें तुमसे कुछ बात करनी थी। हम ना बहुत दिनों से तुमसे कुछ कहना चाहते थे पर कह नहीं पा रहे थे। क्या? आई लव यू। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। पर हम तुमसे प्यार नहीं करते। नंदिनी सुनो तो, सुनो ना, हम तुमसे सच्चा प्यार करते हैं, सच में। आज तुम्हारा जन्मदिन है ना, हैप्पी बर्थडे। हम तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लेके आए। देखो ये, देखो ये सोने की चेन। नंदिनी अगर ये चेन तुम अपने गले में पहन लोगी ना तो ये और भी खूबसूरत लगने लगेगी। बोलो ना नंदिनी, तुम्हें कबूल है मेरा प्यार? कोई इतने प्यार से अपने प्यार का इजहार करेगा, कैसे मना कर सकता है? हाथ में लेकर क्या खड़े हो, मुझे पहनाओ। पहनाओ फिर। के साथ क्या कर रही थी? ठीक है, मेरे मामले में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है और शाम से हम हिसाब किताब की बात कर रहे थे। झूठ मत बोलिए दीदी, हमने सब कुछ देखा, आप कौन से हिसाब किताब की बात कर रही थी? हमें इस बारे में कोई बात नहीं करनी। ये बात, ये किसका बैग है? ये फोन किसका है? हुई छाया, कपड़े बदले। किसका फोन है ये? वो ओ। मैंने पूछा ये फोन किसका है? दीदी का। इतना महंगा फोन कहां से आया? कहां से आया इतना महंगा फोन? अरे यो, आज इसका बिचारी का जन्मदिन है तो क्या आरती उतारूं इसकी? ये देखिए, इतना महंगा फोन पता नहीं कहां से चोरी करके लाई है। और ये देखिए, ये देख रहे हैं ये कपड़े, ये गहने? बोलती है आपने जो पैसे दिए हैं वो जमा करके खरीदे हैं। झूठ बोलती है। खरीदे होंगे लेकिन बेटा कहां से लाए? पापा हम कोई चोर नहीं है और ये फोन हमें गोपी काका ने दिया है। बेटा वो किसी को बिना मतलब के पानी नहीं पिलाता है, इतना महंगा फोन क्यों देगा वो? तो आप उन्हीं से पूछिए, उन्होंने बस इतना कहा कि ये हमारे जन्मदिन का तोहफा है। झूठी कहेंगी? ये ऐसे नहीं बोलेगी। इसको तो मैं
मैं अभी गोपी से बात करता हूँ। लेकिन बेटा इतना महंगा तोहफा किसी से लेना अच्छी बात नहीं है। क्या हुआ, माँ की बात का बुरा मान गई? वो मेरी माँ नहीं है, वो सौतेली है। ऐसी बातें नहीं करते बेटा। देख मैं तुम्हारे लिए क्या लाया, ये असली सोना है। बेटा अब मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं असली सोना खरीद सकूं। क्या पापा, कम से कम एक अच्छा सा तोहफा तो ले आते हैं। बेटा तोहफा देने वाला नहीं, तोहफा देने वाले का दिल देखा जाता है। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो, और तुम्हें ऐसा पति मिले जो तुम्हें महंगे महंगे तोहफे देता रहे। मैसेजेस पढ़ने की, अपने काम से काम रखो समझी, और हमारे सामान को हाथ लगाने की ना कोशिश भी मत करना अगली बार से। ये दीदी पता चला जब तेरी माँ हमें थप्पड़ लगाती है तो हमें कितना दर्द होता है। जी आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुम्हें किसी से मिलाने के लिए बुलाया है। तो भाई लोग क्या हुआ, 11,000 वोट का झटका लग रहा है? तुमने हमारे साथ प्यार का नाटक किया है? आज तक हमने हमारी मिसेस को इतना महंगा फोन तोहफे में नहीं दिया, और हमें नहीं पता था कि तुम इन दोनों के साथ भी प्यार का नाटक कर रही। पैसे हमसे लेती हो और ब्याज इन दोनों को देती हो। नंदिनी तुमने हमें नहीं हमारे सच्चे प्यार को धोखा दिया है। बस बकवास बंद करो तीनों। क्या पहली बात तो हम तुम्हारी बीवी नहीं है, जितना हमें तुम्हारी जरूरत थी उतना तुम लोगों को हमारी जरूरत थी। बस इतना ही रिश्ता है हमारा। और शाम तुम कौन से प्यार की बात कर रहे हो? हाँ हमें पता है कि तुम्हारी शादी तय हो चुकी, तो ये दिया वो दिया ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों ने जो कुछ भी दिया हमने उसकी कीमत भी चुकाई है, समझे? रिश्ता रखना है तो रखो, वरना चूल्हे में जाओ, हम किसी और को ढूंढ लेंगे। अरे नंदिनी, अरे अरे तुम तो बुरा मान गई। अरे हम भी कौन सा तुमसे प्यार करते हैं। हाँ सही कहा प्रधान जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और नंदिनी तुमने भी सही कहा, जो तुम्हें चाहिए था वो हमने तुम्हें दिया, और हमें जो चाहिए था वो तुमने हमें। ठीक है, अगर ऐसा है तो नंदिनी हमें भी कोई एतराज नहीं है। एक मिनट, पर तुम तीनों को ये बात बताई किसने? एक लड़की का फोन आया था, आवाज से तो बच्ची ही लग रही थी। ये जरूर उस छाया की करतूत होगी, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। वैसे देखा जाए तो हमने सच में तुम तीनों का अंधेरे में रखा, और उसका जुर्माना भरने को भी हम तैयार हैं। कल मेरे घर पे कोई नहीं रहेगा। तो तुम तीनों एक साथ
ठीक 1 बजे आ जाना। तीनों? हाँ क्यों नहीं, तुम तीनों के लिए एक सरप्राइज है। ये तो श्याम भैया की बाइक है, इसका मतलब वो अंदर है। इतने दिनों से हमने आपसे कुछ नहीं कहा क्योंकि हमारे परिवार का मामला था, लेकिन अब हम पापा की नाक नहीं कटने दे सकते, लेकिन आपकी सारी करतूतें इस फोन में रिकॉर्ड है। अगर आपने ये हरकत फिर से की तो हम पापा को ये सारे वीडियोस दिखा देंगे। छाया ये वीडियो डिलीट कर दे, मेरी बहन है ना। नहीं ये वीडियो तो डिलीट नहीं होगा, लेकिन आपने अगर जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं अभी जाके दिखा देती हूँ। हमारी बात सुन, तुम जो कहोगी हम वो करेंगे, हम उन दोनों से मिलेंगे भी नहीं, यहां तक कि हम बात भी नहीं करेंगे उनसे। जो वीडियो है अपनी माँ को या फिर पापा को मत दिखाना प्लीज, वरना वो हमको बहुत मारेंगे। क्या तुम चाहती हो हम मार खाए, बताओ। नहीं, पर हम ये जरूर चाहते हैं कि आप सुधर जाए। अच्छा ठीक है, हम आपको एक और मौका देते हैं, लेकिन आपको ये अपनी हरकतें बंद करनी होगी, वरना ये वीडियो हम सच में जाके मम्मी पापा को दिखा देंगे। वो नई वीडियो डाली ना, तो हम देख रहे थे कितनी लाइक्स आई। छाया हर वक्त नंदिनी पर नजर रखती, अपने आशिकों से मिलना तो दूर, अब तो नंदिनी का उस घर से बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया था। ये कहना गलत नहीं होगा कि नंदिनी की नजरों में अब छाया उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी। उसके दिल में छाया के प्रति नफरत पनपने लगी थी। अपनी हसरतें पूरी न होने की वजह से नंदिनी अंदर ही अंदर घुटने लगी थी। क्या इस घटना के बाद नंदिनी सुधर जाएगी? क्या वो सही रास्ते पर चलकर अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत कर पाएगी, या फिर नंदिनी कोई और रास्ता इख्तियार करेगी जिससे छाया नाम की यह रुकावट
हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आइए देखते हैं। नंदनी बेटा मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहा हूँ। तुम माँ से जबान क्यों लड़ा रही हो? आपको हमने कितनी बार कहा है वो हमारी माँ नहीं है। ऐसा नहीं कहते बेटा, वो जो कर रही तुम्हारे भले के लिए कर रही है। अच्छा सो जाओ, चलो चलो आप सो जाओ। छाया इसकी जासूसी बढ़ते जा रही है। पहले उसकी माँ ने हमारा जीना हराम कर रखा था और अब ये बेटी भी हमारे पीछे पड़ गई है, रोज हम पर नजर रखती है। हम तो इसे छोड़ेंगे नहीं। ऐसा लगता है मानो दोनों माँ बेटी ने मिलकर मुझे पिंजरे में कैद कर दिया है। नंदिनी ऐसे नहीं चलेगा, तुम्हें कुछ सोचना पड़ेगा। हम तुमसे मिले बिना नहीं रह सकते हैं यार। हमारे पास एक प्लान है, एक ऐसा प्लान जिससे सजा छाया को मिलेगी और दर्द उसकी मां को महसूस होगी। नंदनी इसमें बहुत रिस्क है, ये हमसे नहीं होगा। ये सब हमसे भी नहीं होगा, हमारी बहुत इज्जत है। कान खोलकर सुन लो प्रधान जी, अगर छाया ने गलती से भी सच्चाई बता दी तो आपकी ये जो बनी बनाई इज्जत जो है ये मिट्टी में मिलने में देर नहीं लगेगी। और हमारा क्या है, हम तो रोध होके माफी भी मांग लेंगे और वो लोग माफ भी कर लेंगे। तुम तीनों का जो हाल होगा ना ये तुम लोग भी जानते हो। तो बताओ हमारा साथ देना चाहते हो या हमें भूलकर बदनाम होना चाहते हो? छाया क्या हुआ दीदी? हमारा मोबाइल खो गया है तो मम्मी पापा भी सोए हैं तो हम ढूंढने जाते हैं ठीक है? पर बाहर तो बहुत बारिश हो रही है तो कैसे जाओगे? लेकिन छाया वो फोन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उसमें बहुत सारी प्राइवेट चीजें हैं। हम जाते हैं। दीदी कहीं आप फिर से लोगों से मिले तो नहीं जा रही है ना? नहीं छाया ऐसा कुछ भी नहीं है, तुझे अगर यकीन नहीं हो रहा है ना तो तू भी चल मेरे साथ। चल ठीक है हम भी चलते हैं। समझाया था ना कि हमारे मामले में मत पड़ो, पर तुम समझी ही नहीं। देखते हमारे सपने को पूरा करने से तुम कैसे रोकते हो, और अब तेरी मां को पता चलेगा कि तकलीफ क्या होती है।
दीदी छाया छत में भी नहीं है, छत पे भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। इसे बिन बिताए तो वो कभी नहीं जाती है। क्या हुआ दीदी? नहीं मिली कहीं, पता नहीं कहाँ चली गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे तो कभी नहीं जाती है वो। एक काम करता हूँ, मैं कुछ लोगों को लेके चला जाता हूँ और भी जगह देखता हूँ। हाँ थोड़ा दूर तक जाके देखिएगा, हम भी ढूंढते हैं उसको। फोन था पुलिस स्टेशन से, फोन था कह रहे थे कि छाया की मौत में कुछ सुराग मिले हैं, मुझे अभी जाना पड़ेगा। अवधेश पूरे एरिया की स्कैनिंग करो, कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस सर। लाश की कंडीशन को देखकर यही मालूम होता है कि मारने से पहले इसका रेप किया गया होगा। कोने कोने में छानबीन करो। यस सर। जाओ। हेलो अम्बलेश, छोटी माँ अभी दो दिन से कुछ भी नहीं खाया है, खाना खा लो। हमारी फूल जैसी बच्ची के साथ किसने ये सब किया? कीड़े पड़ेंगे उसको, कीड़े। श्राप है एक माँ का, कीड़े पड़ेंगे उसको। इंस्पेक्टर साहब कह रहे थे कि हमारी बेटी के साथ बलात्कार भी हुआ है, उसने दुश्मनी निकाली, हमने किसी का क्या बुरा किया कि उसके साथ इतनी दहेंतीगी। हाँ सर। हाँ 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 साहब, ठीक है साहब, मैं आता हूँ सर। पापा किसका फोन था? पुलिस स्टेशन से फोन था, कह रहे थे कि छाया की मौत में कुछ सुराग मिले हैं, मुझे अभी जाना पड़ेगा। हमने तुम लोगों से पहले भी कहा था कि लाश को ठिकाने लगा दो, तुम लोगों ने कहा कि कुछ भी नहीं होगा, और अभी हमने तो कहा ही था कि लाश को जला देते हैं, ये श्याम और गोपी मुंह कर गए। लाश अगर जला दी होती तो उसी दिन हम पकड़े जाते और लाश से धुआं उठता देख किसी को भी शक हो सकता था। नंदिनी तुम चिंता मत करो, पुलिस हम तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। काशी जी मौकाए वारदात से हमें कुछ चीजें मिली है, आप बताइए अगर आप उन्हें पहचानते हैं तो। ये ब्रेसलेट, क्या आप बता सकते हैं कि ये ब्रेसलेट कौन पहनता था? क्या छाया इसे पहनती थी? ये असली सोना है?
काशी जी, ये ब्रेसलेट कौन पहनता था? चलिए ठीक है, ये जली हुई सिगरेट को देखिए, ये सिगरेट इस गांव में तो क्या, शहर में भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। क्या आप जानते हैं कि इस गांव में ऐसी सिगरेट कौन पीता है? काशी जी, क्या आप इन दोनों एविडेंस में से किसी को भी पहचान पा रहे हैं? साहब हमने कुछ नहीं, ये सब तो नंदिनी का प्लान था साहब। नहीं यार, हमने अकेले नहीं, वैसा तो शाम और किशोर जी थे। नहीं क्या था साहब, अब सच बोल रहे हमने अकेले नहीं। हम अभी आते हैं। पर जा कहां रही हो? हम वापस आकर आपको बताते हैं। एक मिनट, बैग में क्या है? हाँ मैं बताता हूं, इस बैग में गहने और रुपए हैं जिसे लेकर ये भाग रही थी। क्या मारा हमारी बहन, क्या मारा अपनी बहन को? क्योंकि वो हमारी बहन नहीं थी, हमारी बहन नहीं थी, बस आपकी बेटी थी। सर ले जाओ उसको, ले जाओ उसको। नंदिनी ने दो बहनों के रिश्ते को शर्मसार किया, पर क्या इस घटना के लिए अकेली नंदिनी ही जिम्मेदार थी? काशी, नंदिनी की परवरिश तो कर रहा था, लेकिन वो उसे नहीं समझ पा रहा था। बढ़ती उम्र के साथ साथ नंदिनी की हसरतें बढ़ती चली जा रही थी और उसे पूरी करने के लिए वो गलत रास्ते पर चल पड़ी थी। छाया को इस बात का अंदेशा हो गया था कि उसकी बहन नंदिनी गलत रास्ते पर चल रही थी। छाया नंदिनी से नफरत नहीं कर रही थी, वो बच्ची सिर्फ अपनी बहन को सुधारना चाहती थी। लेकिन ये घटना हमारे दिल में एक सवाल जरूर छोड़ती है। हालात चाहे कैसे ही क्यों ना हो, नफरत चाहे कितनी गाढ़ी क्यों ना हो, लेकिन क्या एक बहन अपनी दूसरी बहन के साथ ऐसे भयानक हरकतें कर सकती है? फिर मिलेंगे क्राइम अलर्ट के अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। देखते रहिए क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। जय हिंद।